SSCI के यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। तो आज हम टेंस की क्लास ख़त्म करने के बाद वॉयस में एंट्री कर चुके हैं और एक्टिव वॉयस पैसिव वॉयस के बारे में डिटेल में यहाँ डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे और रूल्स को जानेंगे। एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है वह मैं आपको बताऊंगा। जो भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलती रहे। लाइक करें, शेयर करें और धूम मचाएँ। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की जहां तक बात करें हम, एक्टिव में क्या रहता है, जो सब्जेक्ट है वो हेड रहता है, ठीक है, इसमें जो सब्जेक्ट हेड होता है। और पैसिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट हेड होता है, ठीक है। जनरली यही थीम है इसका कि एक्टिव में सब्जेक्ट हेड होता है, पैसिव में ऑब्जेक्ट हेड होता है। तो जैसे मैं बोल देता हूँ कि वह एक पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिखता है, मैं बस ऐसे ही समझा रहा हूँ, ठीक है। ही राइट्स अ लेटर। अब मैं इसमें आपको पूछूं कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो आप यही बताएंगे कि ही जो है वो सब्जेक्ट है और अ लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और ये जो बीच में है ये वर्ब है, ठीक है। तो आपको कमेंट में करके कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये राइट्स में यस क्यों लगा है, वो आपको बताना है, ठीक है। चलो अब ये वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे यस लगा है तो ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के बारे में बताता है कि ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसीलिए मैंने आपको टेंस के बारे में बताया था जिससे आप सेंटेंस को पहचान सके। तो वह एक पत्र लिखता है, या मेरे लास्ट में ता है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया और उसका ट्रांसलेशन ही राइट्स अ लेटर हो गया। अब ये कौन सी वॉइस हुई, ये एक्टिव है। जितना भी हम पढ़ते लिखते हैं सारी एक्टिव वॉइस होती हैं, ठीक है, सारी एक्टिव वॉइस होती हैं। अब इसका हमको पैसिव बनाना हो तो देखिए, मैंने जहाँ तक यहाँ पे लिखा है कि इसमें सब्जेक्ट हेड होता है और इसमें ऑब्जेक्ट हेड होता है, तो ऑब्जेक्ट हेड होने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की तरफ वर्क करता है, कि इसमें पैसिव वॉइस में। तो जो ए लेटर है, अब अगर हम पैसिव में एंट्री करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे अ लेटर चलता है, इसका मतलब ये हुआ अगर हम हिंदी में कहें तो वह एक पत्र लिखता है तो एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। अगर हम हिंदी में बात करें इस चीज़ को, अगर पैसिव में लिखें हिंदी में, पैसिव में हिंदी में अगर इसको लिखें तो एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, इसका जो पैसिव वॉइस है वो हिंदी में इस तरह से होगा। तो अ लेटर अगर हम इसको ट्रांसलेट करके देखें तो अ लेटर, यहाँ पे चूंकि प्रेजेंट इनफिनिट टेंस है और प्रेजेंट टेंस है तो इज एम आर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे इज करेंगे। अ लेटर एक वचन है, अ लेटर इज रिटन, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, बाई का यूज करते हैं, पत्र उसके द्वारा, उसके द्वारा मीन्स बाई हिम, ठीक है, बाई हिम ये हो गया आपका। ए लेटर इज रिटन बाई हिम, अब उस एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, ये आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा, ये आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो ए लेटर रिटन बाई हिम, तो अगर हम इसकी बात करें तो कैसा कैसे बना, जो पहले है ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट लिख लिया आपने, प्लस क्या लिखा, ऑक्सिलरी वर्ब ए वी और प्लस एम वी की, वेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी आपने, प्लस बाई लिखना ही लिखना है आपको, हर एक में बाई लिखना ही लिखना है, ठीक है। और बाई का जो सब्जेक्ट का जो है ऑब्जेक्ट बन जाए, सेमी थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ये जो हिम है उसको हम पैसिव ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, कि ये पैसिव ऑब्जेक्ट होगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, पैसिव ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। और
इसको हम पैसिव सब्जेक्ट कह सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर समझ में आएगा, पैसिव सब्जेक्ट। तो ये आपका रूल हो गया इसके लिए, किसके लिए, ये है प्रेजेंट इनफिनिट टेंस, इसके लिए हमारा रूल इस तरह से हो गया। मतलब आपको समझना है कि एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है, इससे हम मेरे को लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्टिव क्या है पैसिव क्या है। एक्टिव वॉइस में है, मैं दोनों तरह से बताऊंगा, हिंदी में भी बताऊंगा, ज़्यादातर हिंदी का भी हम स्टार्टिंग में समझ लेते हैं, स्टार्टिंग में मैं हिंदी बता दूंगा, बाद में आपको फिर इंग्लिश कंटिन्यू बताता रहूंगा, क्योंकि हिंदी से आपको समझ में आएगा कि ये कैसे चेंज होता है, क्या किस तरह का रोल होता है पैसिव वॉइस का एक्टिव से पैसिव में, ठीक है। अब लड़के जानवरों से प्रेम करते हैं, क्योंकि ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव एंड पैसिव को पढ़ रहे हैं, तो लड़के जानवरों से प्रेम करते हैं, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, बॉयज लव किससे, लव एनिमल्स, लव एनिमल्स, ठीक है, तो बॉयज लव एनिमल्स हो जाएगा आपका। अब इसको अगर हम उधर पैसिव में लिखें तो क्या होगा, जानवर लड़कों के द्वारा प्रेम किए जाते हैं, ये हो जाएगा, जानवर जानवरों को लड़कों के द्वारा प्रेम किया जाता है, ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे, बॉयज़ लव एनिमल्स, इंग्लिश में देखें आप तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, एनिमल्स है, तो एनिमल्स क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, एनिमल्स लिख दीजिए यहाँ पर, चूँकि ये बहुवचन है तो इसमें आर ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, तो ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लव्ड, ठीक है, एनिमल्स आर लव्ड। फिर बाई लगाएंगे हम, जैसा कि मैंने बताया था, बाई बॉयज़, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। लड़के जानवरों से प्रेम करते हैं, बॉयज लव एनिमल्स, जानवरों को लड़कों के द्वारा प्रेम किया जाता है, एनिमल्स आर लव्ड बाई बॉयज, ये हो गया आपका। और एग्जांपल देख लीजिए, रेखा प्रत्येक सुबह, मतलब प्रतिदिन, रेखा प्रत्येक सुबह कॉफ़ी पीती है, चलिए इसका ट्रांसलेशन करेंगे, रेखा टेक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, ठीक है। तो अगर इसको हिंदी में करें तो कॉफ़ी जो है, देखिए यहाँ सुबह प्रत्येक सुबह कॉफ़ी पीती है, मतलब इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, कॉफ़ी है। ये आपको पहचानना ज़रूरी है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, अगर जब यही पहचान पाएंगे तभी आपका हो पाएगा। कई जगह दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो दो ऑब्जेक्ट से दो चांस बनते हैं पैसिव के, लेकिन यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है कौन सा, कॉफ़ी, तो कॉफ़ी लिख देंगे, पहले मैं हिंदी में लिखता हूँ आपको, रेखा प्रत्येक सुबह कॉफ़ी पीती है, तो यहाँ पर लिखें कॉफ़ी प्रत्येक सुबह रेखा के द्वारा पी जाती है। मैं हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपका कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे एक्टिव से पैसिव के लिए, बिल्कुल भी ना रहे, जीरो जीरो कर दूंगा सब। रेखा टेक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, तो कॉफ़ी लिख लीजिए, कॉफ़ी टेक्स है और रेखा कॉफ़ी भी एक वचन है, तो हम क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे, कॉफ़ी इज टेकन बाई रेखा, टेकन बाई रेखा एवरी मॉर्निंग, ये हो गया, ये आगे पीछे भी हो सकता है कि कॉफ़ी इज टेकन एवरी मॉर्निंग बाई रेखा, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका, ये आपका ट्रांसलेशन हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन भी हो गया और एक्टिव और पैसिव भी बताया मैंने, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, निगेटिव का देख लीजिए, अजीत
मेरी सहायता नहीं करता है, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन करें, अजीत डज नॉट हेल्प मी, मेरी सहायता, माई हेल्प, ठीक है, माई हेल्प नहीं लिखेगा, मेरी सहायता के लिए डज नॉट हेल्प मी लिखेंगे हम। मेरी सहायता, माई हेल्प ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वर्ब है हेल्प, तो अजीत डज नॉट हेल्प मी हो गया। अब इसको हम पैसिव में कैसे लिखेंगे वो आप बताएं। अजीत मेरी सहायता नहीं करता है, ठीक है। मेरी सहायता, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट है, तो मी जो होता है, मी का जो सब्जेक्ट बनेगा, चूँकि हमें क्या होता है, सब्जेक्ट बनाना होता है, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना होता है पैसिव में, तो हम क्या करेंगे, मी का जो सब्जेक्ट होगा आई, मैं जो है, मैं किसके द्वारा सहायता नहीं की जाती है, अजीत के द्वारा, अजीत के द्वारा सहायता नहीं प्राप्त करता हूँ, ये हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम इसका ट्रांसलेशन करें तो आई के साथ एम लगाएंगे, आई एम नॉट हेल्प्ड, आई एम थर्ड फॉर्म, हेल्प का थर्ड फॉर्म लगेगा, हेल्प्ड, आई एम नॉट हेल्प्ड बाई अजीत, ठीक है, ये हो गया आपका। तो इस तरह से हम पैसिव में बनाते हैं इसको, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये हो गया आपका अफर्मेटिव, निगेटिव भी बता दिया मैंने। अगर हम इंट्रोगेटिव करेंगे सेम प्रोसेस रहेगा, कुछ ज़्यादा चेंजिंग रहेगी नहीं, जो ऑब्जेक्ट है, जो मतलब वो बस आपका क्या क्यों पहले जो आता है उसके जो हिसाब है वो सब रहेगा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। तो आपको इसी तरह से इसको करना है। तो मैं कुछ आपको एक्सरसाइज दे देता हूँ, होमवर्क दे देता हूँ, जो आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे। होमवर्क में आप इसी का, आपको क्या करना है, आपको इसी के तीन फॉर्म और बनाने हैं, ठीक है। होमवर्क में आपको इसी के तीन फॉर्म और बनाने हैं, और उनको पैसिव वॉइस में चेंज करना। जैसे मैंने बोला लड़के जानवरों से प्रेम करते हैं, तो आपको बनाना है लड़के जानवरों से प्रेम नहीं करते हैं, क्या लड़के जानवरों से प्रेम करते हैं, क्या लड़के जानवरों से नहीं प्रेम करते हैं, सबका उसका पैसिव बनाना है आपको। तो इस तरह से आपके पास तीन 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 नौ हो जाएंगे, नौ 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 आपको पैसिव बनाने होंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं हम। प्रेजेंट इन्फिनिटिव टेंस ऐसे ही चलता रहेगा, और मैं आगे फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा।